ये दुआ है मेरी रब से। नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटॉक इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूं WR800 राइट कंपनी का कंडेंसर माइक्रोफोन है, इसका हैवी नॉइस टेस्ट। हम रोड पे जाएंगे, NH है, वहां पे जाके हम गाड़ियों के शोर के बीच इस माइक का हम वोकल टेस्ट लेंगे कि ये कितना नॉइस पकड़ता है और क्या हमें ये क्वालिटी प्रोड्यूस करवाता है। तो चलिए अब चलते हम रोड पर इस माइक का हैवी नॉइस टेस्ट करने। दोस्तों, यह है WR800 का हैवी नॉइस टेस्ट। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि WR800 का जो आप हैवी नॉइस टेस्ट करें, तो मैं आज कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसे स्पॉट की ज़रूरत थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी नॉइस हो। तो मेरे पीछे है कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे। मनाली यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, आई थिंक 60 ही है। तो इस माइक का आप हैवी नॉइस टेस्ट देख रहे हैं। मेरे पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है। ड्यू टू कोरोना ट्रैफिक काफ़ी कम है, वैसे यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो दोस्तों, अभी मैंने जो ये फॉर्म फिल्टर है ये नहीं लगाया है, तो मेरी जो वॉइस आ रही है बिना फॉर्म फिल्टर के हैं। और जो ऑडियो इंटरफेस मैंने यूज़ किया है वो है बेरियंजर का यूफोरिया UM2, जिस पे मैंने जो गेन है वो रखा है सिर्फ 25%। अभी जो मेरा वोकल आ रहा है सिर्फ 25% गेन पे आ रहा है। मतलब जितना गेन आप कम रखेंगे वॉइस भी थोड़ी कम आती है, और जो नॉइस होता है वो नॉइस भी थोड़ा कम आता है। बाद में मैं अपने गेन को भी बढ़ाऊँगा ऑडियो इंटरफेस से। अभी जो मेरा वोकल आ रहा है, आप देख रहे हैं मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है, तो अभी मैं ये फॉर्म फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने फॉर्म फिल्टर लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो WR800 की जो वॉइस क्वालिटी है वो किस टाइप की है, नॉइस को ये लेता है या नहीं लेता। वैसे यहाँ पे तो आपका कोई भी माइक नॉइस पकड़ ही लेगा, बहुत ज़्यादा नॉइस यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे से जा रही है। तो चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे पॉप फिल्टर जो राइट कंपनी का मेरे पास है। तो अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो पॉप फिल्टर के साथ सुन रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए कुछ गुनगुनाता हूँ मैं आप सभी के सामने। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, आशिकी पसंद आए। दोस्तों, मेरी सिंगिंग पे मत जाना, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मैं बस शौक से गा रहा हूँ ये, और आप लोगों को बताने के लिए गा रहा हूँ कि अगर आप अपने फेवरेट सॉन्ग इस माइक के थ्रू गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस हद तक आपको क्वालिटी दे सकता है। हैवी नॉइस टेस्ट करने का भी मेरा यही पर्पज़ है। अगर आपका रूम साउंड प्रूफ नहीं है तो किस हद तक ये नॉइस को रिड्यूस करता है, यही मेरा बताने का मेन पर्पज़ था। दोस्तों, जो मेरे पास अभी स्पॉट है वो टॉप नोच का हैवी नॉइस स्पॉट है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे से जा रही है, कितना नॉइस इनका आ सकता है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी रहते हैं, गाड़ियों की चहल पहल आपके यहाँ वहाँ रहती है, तो ये किस हद तक आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा गेन बढ़ाता हूँ, अपने गेन को मैं 50% तक करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये कितना नॉइस को कैप्चर करता है और कितना वोकल को कैप्चर करता है। तो चलिए अब मैं पॉप फिल्टर भी हटा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो मैंने गेन को बढ़ाया वो मैंने 50% कर दिया है, और इंडोर शूट भी मैं 50% पे ही करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी वीडियो इस माइक के साथ रिकॉर्ड किए हैं 50% गेन के साथ ही किए हैं। इससे ज़्यादा आप मत बढ़ाना, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा नॉइस लेता है और आपकी आवाज़ भी फट जाएगी। मेरे पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको पता है कि इनका कितना ज़्यादा शोर होता है, तो इस माइक के थ्रू वो किस हद तक रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया है कि
WR800 और BM800 में से कौन सा बेस्ट है। WR800 की मुझे एक बात बेस्ट लगी, इसे हम मोबाइल में अच्छे से जोड़ सकते हैं, इजीली जोड़ सकते हैं। इसके साथ हमें ये मिलता है एक USB ऑडियो इंटरफेस, छोटा सा साउंड कार्ड मिलता है जिसके थ्रू इसे फ़ोन के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। BM800 के साथ हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती और वो कुछ मोबाइल के अंदर जुड़ जाता है और कुछ मोबाइल के अंदर वो नहीं लगता। मोबाइल के अंदर ही अपना वोकल डब करते हैं, मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप WR800 लें, ना कि BM800। बाकी क्वालिटी तो दोनों की लगभग सेम ही है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।